पूरा का पूरा आपको समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिस्प्ले डायनेमिक रिकॉर्ड, हाउ टू डिस्प्ले डायनेमिक रिकॉर्ड विदाउट यूजिंग सर्वर कंट्रोल, विदाउट यूजिंग सर्वर कंट्रोल। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू डिस्प्ले डायनेमिक रिकॉर्ड, हाउ टू डिस्प्ले डायनेमिक रिकॉर्ड विदाउट यूजिंग कोड बिहाइंड के आप आगे ले देना पेरेंथेसिस में डॉट सी एस फाइल, समझ गया ना, कोड बिहाइंड को सी एस फाइल बोलते ना। थर्ड क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिस्प्ले डायनेमिक रिकॉर्ड विदाउट यूजिंग डॉट एएसपीएक्स पेज। रिक्वायरमेंट आपको समझ आई? हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमें कोई सर्वर कंट्रोल यूज नहीं करना है, कोई सर्वर कंट्रोल यूज नहीं करना है। और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपका रिपीटेबल है कि अगर आप डायनेमिक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं एसपीएक्स और कोड बिहाइंड में एक ही फाइल का यूज करें, अगर यूज करें एसपीएक्स तो पूरा एसपीएक्स ही यूज करें, कोड बिहाइंड को साफ सुथरी रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज दैट अगर आपने कोड बिहाइंड यूज कर ले तो आपके एसपीएक्स नहीं, एसपीएक्स में एक वर्ड नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो कंसेप्ट ये कंसेप्ट में डिफरेंट है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि सन ने कुछ ऐसा लिया होगा कि आपका सीसा फला होगा, एक ही पेज पे किया होगा, सीसा फला होगा और एसपीएक्स फला होगा। आज मैं आपका ऐसा कहूँगा कि आपका डिजाइनिंग फेस आपके सीसा कोड से कम्युनिकेट करेगा। अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट किया है सीसा फला होगा और एसपीएक्स फला होगा, ऐसा आपने लिखा हो कि एचटीएमएल में सीसा लिख रहे हो, एसपीएक्स में सीसा लिख रहे हो, मतलब एचटीएमएल सीसा के थ्रू बना रहे हो, अलग उन्होंने सिंगल पेज पे किया। हाँ, सिंगल पेज पे हटा दिया। हाँ, वो अलग एसपी में करना। हाँ हाँ, वो अलग चीज़ है, वो आपकी एएसपी है, ये आपकी एसपी डॉट 410 है। क्योंकि ये 4.0 क्यों है, क्योंकि इस पर कम्प्लीटली आपका एमबीसी जो आपका ईएसपी था वो अलग चीज थी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एस्टिमेट सीसार से बात नहीं करता था, जो एमबीसी 3 है इसमें सीसार का एस्टिमेट से बात करेगा। देखो कैसे सर्वर कंट्रोल दोनों में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं अपन लोग सी एस फाइल का यूज नहीं करते, ओनली एस एस पूरे कोड लेते हैं, ठीक है जी। कोड देखो कैसे लिखेंगे,
सुपर वाला ऊपर वाला ठीक है ठीक है। एच डी एफ सी की मशीन कहता हूँ, एच डी एफ सी की जो होती है ना ए टी एम मशीन होती है ना, उसमें इतना अच्छा चल रहा था कूलिंग है, क्यों उसको देख रहा था मैं उसको ए सी को प्रॉपर, लेकिन कितना अच्छी हवा दे रहा है प्रॉपर वे में दे रहा हूँ, लेकिन अगर वो ये भी लग जाए यहाँ पर तो उसको ठंडा कर देगा। वैसे यार ठंडा रहता इतना मज़ा आता, लेकिन यहाँ तो ना ये काम करता है बनावटी लगा ये भी बनावटी ये भी है, नहीं ऐसा नहीं कि सर इसमें अपनी लाइट खर्च ना होती, लाइट वगैरह सब कुछ खर्च हो रही है, जो नए लगेंगे वो लाइट भी कम देगा। हाँ हाँ कुछ ना कुछ प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा तभी मजा आएगा। एंड यू इस पेज से बिल्कुल नहीं कर रही, पी भी जोड़ा आ गया नहीं, मैं शीशा में देता हूँ ठीक है, मैं आपके इस सी एस से कोई मतलब नहीं रखता, हम आपकी बात यहीं पर करेंगे। एक कोई कॉलम ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपके नेमेसिस वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, सिस्टम डॉट डेटा और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल, मेरा काम क्या होता है कि हमें डेटा टेबल के अंदर डेटा लेके आओ, क्यों भाई सबसे पहले डेटा टेबल के अंदर डेटा लेके आओ, हमें यहाँ पे शीशा का कोई भी कोड लिखना होगा, हम इस तरीके से लिखेंगे, अगर हमें एसपीएक्स में, अगर मुझे एसपीएक्स में सीसा का कोड लिखना है तो एंग्लो ब्रैकेट परसेंटेज के अंदर लिखना होगा,
पे आप डेट ही क्लास करा लो आप कोई डाउट यहां तक आप कोई भी डाउट नहीं होगा अब सेकंड क्वेश्चन दैट कि हमें लेआउट किस तरीके से रेडी करना है इट्स अ कंप्लीटली टेबल 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 ना टेबल हैव मल्टीपल रोस एंड थ्री कॉलम्स आर फिक्स्ड इसे हम सपोज करो इसको पहले कर लेते हैं पहली रो को ये क्या पहली रो है ना इसको अलग डिजाइन कर लें और ये हमारी भी इस पे चलेगा मेरा लू क्योंकि ये तो मेरा पता नहीं कितने रिकॉर्ड है क्यों भाई लेकिन इसी तो फिक्स कर सकते हैं देख लो कैसे करेंगे कोड इसका पड़ा है अपनी साइड पर इसको लिखने ज़्यादा परेशान ना हो आपको कोड आपको जो आप उन्होंने हाँ ठीक है लेकिन बता रहा हूँ कि आप उस व्यू से मत देखें कि आपको कोड नहीं मिलेगा कोड ही कंप्लीट पड़ेगा जो आपने जो मैं देख रहा हूँ सेम सेम यही मिलेगा कुछ हाँ ठीक है इसके अंदर थ्री टी डी होगी इतना लुक दे दो कोई स्टाइल दे दो विथ 100 एक्स एम भी तो भाई कोई दिक्कत अब फर्स्ट टी डी हो गया सेकेंड टी डी वैसे चेंज कर लो तीसरा भी कर लो क्यों भाई सेकेंड कौन सा होगा एम पी अब इसको देख लो यहाँ पर कोई डाउट आपका हेड वगैरह जाए अब आपका जो बीच वाला ये पोर्शन है ये इसमें पता नहीं कितने रिकॉर्ड हो जितने रिकॉर्ड हो उतनी टीआर होनी चाहिए उतनी टीडी होनी चाहिए तो एवरी टीआर है थ्री टीडी ना तो कहने वाला कि हम एक टी आर के अंदर तीन टी टी करने दिखाएं और इस पर चला लें तभी तो रिकॉर्ड आप पूरे इसको कर पाओगे क्यों भाई टी आर मतलब टेबल रो ना एस्टिमेट टेबल एस्टिमेट टेबल टेबल होती है ना आपकी यहाँ पर ऐसे देखो आप ये देखो ये आपकी टेबल है ना ये टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टी आर टेबल रो और एवरी टेबल रो हैव कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टी डीज टी डी मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन होता है ना टेबल ड्रिल होता है क्या होता है टेबल डेटा टी डी वाला टेबल डेटा और टी आर वाला टेबल रो अब इस कंसेप्ट को तुम कंट्रोल सी नहीं करो अभी कुछ बताओ तुम्हारा इसके नीचे क्या लू भी चलेगा ना कोशिश नहीं कर रहे सर आपको बताऊँ मैं आपको अगर मैं यहाँ पर डिप आपको लेके बताता तो डिप को बताने में हमें इतना टाइम लग जाता कि हम आपको जो आपको सिखाना चाह रहे थे यार वो मैं आपको ना सिखा पाता नहीं आप डिप से भी कर सकते हो इसको नो प्रॉब्लम नो सो बट मैंने ये सोचा कि मैं आपको अभी डिप बताऊंगा तो स्टाइल सीट बताऊंगा मतलब क्या बोलते हैं डिजाइनिंग फेस नहीं ये बैच तो नया बैच है बिल्कुल ये इस बैच में इसके पहला क्लास है ये अगर इनको मैं वहाँ तो इनको बताया नहीं है तो इनको कुछ नहीं बता सकता ना मैं फर्स्ट बैच है ये आपका डी बैच है सी बैच अब 11 बजे है डी बैच है ना ये नया जी अब यहाँ पर हम अपना चलाएंगे
क्या रहा ग्लूप यहाँ पर, और कोरिस क्या बोलता है, dt इज ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव डॉट क्लोज, यहाँ किस में आएगा, हेटर रो में आएगा क्यों भाई, है? अब मुझे इसके अंदर डिजाइनिंग फेस करना होगा, टेबल को लगाना पड़ेगा जिससे मेरा लूप चल सके। कैसे लगाओगे देखने का, पहले इसको बंद तो करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे यहां पर ये बंद करके यहां पर फिर से बंदना पड़ेगा ऐसे, क्यों भाई यहां पर हम एचटीएमएल का कोड ले सकते हैं, यहां पर हम एचटीएमएल कोड, समझ आ रहा मैं क्या, यहाँ पर हम एस टी एल का कोड लिख सकते हैं। अब एस टी एल कोड के लिए काम करें, हम इसको पूरे कॉपी कर लें एस टी आर को, क्यों भाई एस टी आर को हम यहाँ पर कॉपी कर लें, है ना, और एक काम करें यहाँ जो एम पी आई डी लिखा है तो फिर यहाँ पर सीसा का कोड हो गया, यहाँ सीसर कोड होगा ना, सीसर कोड किस में लिखेंगे आप, पहले पेज में, अब कैसे लिखते हैं, डीआर कॉलम का डॉट टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू को लेते कैसे, कैसे क्या मुझे ध्यान में नहीं होता क्या क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ना, नहीं नहीं सब समझ में आ रहा, हाँ क्लियर, हाँ सब क्लियर है, ऐसा किया पहले ये अलग कभी, हाँ इस मैंने किया था तो जब कुछ जब मास्टर पेज नहीं होता था ना तो वहाँ से कुछ पेज हमें अलग अलग उठा के लाने पड़ते थे, अच्छा मैंने किया, अच्छा जब मास्टर पेज बना नहीं था, हाँ तो तब ऐसा कहते थे, वो मैंने किया, ठीक है अब ऐसे कर दो एम पी नेम के लिए, ऐसे कर दो एम पी, चलिए क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू सोर्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे